गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हुआ है 8:30 और मैं जो डेली वाला काम होता है ना सुबह वाला, उससे फ्री हो चुकी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, चने की चाट बनाएंगे। तो रात को मैंने ये है चने जिनको हमने रात को भिगो दिया था। तो अब इनको हम वैसे तो धुल के भिगोए थे लेकिन फिर से धो लेंगे हम एक दो बार इनको, फिर इनको बॉईल होने रखेंगे। और इनका जो पानी है ना वो हम फेंकेंगे नहीं। चलिए ये जो पानी है गमलों में लगाते हैं। तो आप भी ऐसा किया करिए, दाल का, चावल का, चने का, जो भी इस तरीके का जो पानी होता है, ऐसी तरीके जब ये चीज़ें हम बनाते हैं तो इनका जो पानी है वो कभी आप फेंकिए मत। इनको धुलने के लिए, धुलने के बाद इनका जो पानी है अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, जिससे हमारे प्लांट्स जो है हरे भरे रहते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये मेरे इंडोर प्लांट हैं जिनमें मैंने पानी को डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैंने एक तो पानी से इनको और धो लिया और अब हम कुकर में इनको बॉयल होने रखेंगे। तो कुकर में हमें केवल इतना पानी ऐड करना है जो चने हमारे केवल डूब जाएं बस, और बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और रख देंगे बॉयल होने। तो देखिए सभी लोग मुझे लगता है शायद 5-6 सीटी लगाते होंगे बिसिल, पर मैं नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ एक बिसिल लगाती हूँ और उसके बाद स्लो फ्लेम पे कर देती हूँ। और जैसी भी चीज़ है, जितनी देर में बनने वाली है उस हिसाब से फिर टाइमिंग देती हूँ स्लो फ्लेम पे, क्योंकि जो बिशिल लगती है हमारी इतनी स्पीड से लगती है कि जो भी हमारी चीज़ बन रही होती है ना उसकी जो भी गुडनेस होती है ना वो सारी निकल जाती है। मेरा ये अपना सोचना है, अपना मानना है, अपनी थिंक है ये। और तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा बिशिल नहीं लगाती हूँ किसी भी चीज़ में। और जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने और तैयारी जो थी चाट की वो मैंने कर ली। प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, हरी मिर्च, धनिया, ये सब मैंने काट लिया है। और आप चाहे तो खीरा भी डाल सकते हैं, खीरा का सीज़न चल रहा है पर मेरे यहाँ पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो खीरा को भी आप बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और डाल दीजिए। और देखिए हमारे जो चने हैं ना अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है और उसमें जीरा ऐड करूँगी। और ये जो हमारे चने हैं ना इनको मैं ऐड करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे हींग ऐड कर सकते हैं, मैंने हींग मैं बाद में करती हूँ क्योंकि तेल में डाल के ना वो जल सी जाती है, तो मैं ना बाद में करती हूँ, अभी नहीं करी है मैंने। और मैं बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद हैं तो आप मसालों को घोल के ऐड करिए, जिससे मसाले जो है ना अच्छे से भुन जाएंगे और अच्छे लगेंगे, जलेंगे नहीं। और जो पानी है ना चनों का, जो चने में निकलेगा पानी मतलब बॉयल होने के बाद थोड़ा, उसी से लिए मसाले। मैं यहाँ पे बहुत कम मसाले का यूज़ करूँगी, मैं किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसमें मैंने बस नमक है और मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च का थोड़ा सा यूज़ करूँगी और थोड़ा सा काले नमक का यूज़ करूँगी बस। बहुत ज़्यादा मिर्च मैं नहीं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं पर मैं नींबू का रस ऐड करूँगी, तो मैं चाट मसाला भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चाट मसाला से भी ना खट्टापन आता है, तो मैं नींबू का रस ऐड करूँगी उस जगह पे। तो इधर हमारे चने ठंडे हो रहे थे तो मैंने चाय रख दी बनने, क्योंकि और जो टमाटर वगैरह हमें जब ऐड करना है ना वो ठंडे होने के बाद ही करना है। तो देखिए हमारे चने नॉर्मल हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्जियाँ। तो आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक सब्जियाँ ऐड कर सकते हो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे केवल टमाटर ऐड किए हैं और प्याज ऐड किया है और उबला हुआ आलू ऐड किया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, मैंने बस इतना ही ऐड किया है। खीरे का सीज़न चल रहा है, अगर आपके घर में पसंद है तो आप खीरा भी ऐड कर दीजिए, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सब मतलब नहीं पसंद करते हैं।
और आधा नींबू का रस मैंने ऐड किया है क्योंकि मैंने बस दो लोगों के लिए चाट बनाई है। तो चाट बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और हमारी सेहत के लिए चने अच्छे होते हैं, प्रोटीन से भरपूर चाट है ये, हाई प्रोटीन। और थोड़ा सा मैंने भुने जीरे का पाउडर ऐड किया है। तो भुना जीरा कैसे बनाते हैं ये आप वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो भुने जीरे का पाउडर आप बना के ज़रूर रखें। कई सारी हमारी ऐसी रेसिपीज होती हैं, ऐसी हमारी मतलब सब्जियां और चाट होती हैं जिनमें हमें भुने जीरे का पाउडर का यूज करना होता है। तो देखिए अब हम सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी जो चाट है वो रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप लोग ज़रूर बनाइए इस तरीके से, सिंपल तरीके से और बेसिक मसालों से बनाइए चाट, बहुत टेस्टी बनेगी। मुझे प्याज थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है थोड़ा। ये चीज़ों की मतलब कोई इन चीज़ों का कोई मेजरमेंट नहीं है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो। तो हमारी चाट बन के रेडी हो चुकी है और मेरी चाय भी बन चुकी है, तो मैं अपने लिए लगा ले रही हूँ। और सूरज अभी उठा है तो वो अभी नहीं खाएगा, वो अभी थोड़ी देर में लेगा, तो मैं अपने लिए लगा रही हूँ। तो मेरी मतलब मेरा नाश्ता जो है लग चुका है और मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय करिएगा, हाई प्रोटीन चाय, सॉरी हाई प्रोटीन चाट। तो बनाइए और एंजॉय करिए, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये थी आज की हमारी बेसिक मसालों से बनी सिंपल सी टेस्टी सी चटपटी सी चाट। बाय बाय।